सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोगों? सो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सैव गेमिंग। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने आईफोन के लिए एप्पल आईडी क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कोई भी चीज़ आप डाउनलोड कर सकते हैं और मजे से खेल सकते हैं। तो गाइस, इस ट्रिक में आपको बिल्कुल फ्री बताने वाला हूँ, कोई भी इसमें चार्ज नहीं लगेगा। एप्पल आईडी बनाने के लिए यहाँ पर बेसिकली होता है आपको चार्ज देना पड़ता है, एटीएम पिन मांगता है, कार्ड मांगता है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल फ्री टिप्स बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप एप्पल आईडी बिल्कुल फ्री में क्रिएट कर सकते हैं एंड कोई भी एप्स में इंस्टॉल कर सकते हैं और गेम खेल सकते हैं। तो बस एप्पल आईडी क्रिएट करने के लिए हम चलते हैं सबसे पहले सफारी में। अगर आपके पास आईफोन नहीं है तो आप सिंपली पीसी में या किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में कनेक्ट करके इसे बना सकते हैं। तो बस हम चलते हैं सबसे पहले सफारी में। सफारी में जाने के बाद यहाँ पे हमें टेस्ट करना है, यहाँ पे सर्च बार पे क्रिएट एप्पल आईडी। तो यहाँ पर मैंने क्रिएट एप्पल आईडी पे लिख दिया, तो यहाँ पर भाई कई सारे लिंक आए हैं, तो हमें सिंपली फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देना है। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके के इंटरफेयर आएगा, आप लोग देख सकते हैं। ये एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट से हम बनाएंगे, तो इसमें कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं कि आपका डाटा चोरी किया जाएगा, कुछ भी किया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हमें यहाँ पर सिंपली फर्स्ट नेम लिख देना है, कुछ भी नाम डाल देना है अपने हिसाब से। तो यहाँ पर मैं जैसे यहाँ पर फैजान डाल देता हूँ, अपने हिसाब से जो भी डालना हो वो कोई भी आप नाम डाल सकते हैं या अपना नाम डाल सकते हैं। तो अपन फैजान नाम डाल देता हूँ। लास्ट नेम पे हमें पे अली डाल देता हूँ। और यहाँ पे हमें यूनाइटेड स्टेट्स के बजाय इंडिया पे सिलेक्ट कर देना है। इंडिया पे यहाँ पर ये इंडिया आ गया, तो हमें यहाँ पर डन कर देना है। एंड गाइस, यहाँ पर सिंपली मैं डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो। यहाँ पे ईयर डाल देना है। याद रखिएगा, इस 18 साल की उम्र तक के लिए इसमें एक्सेस करेगा, तो आप ऐसा ईयर डालिएगा जो आपका 18 साल के बीच में आए तो एक्सेस कर लेगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली 199 डाल देता हूँ। एंड यहाँ पे याद रखिए, बस ये सबसे बड़ा फंडा है। यहाँ पर करना क्या है, हमें यहाँ पर एक जीमेल आईडी बनाना है, जो कि आपने अगर एंड्रॉयड फ़ोन चलाया होगा, जो भी आप प्ले स्टोर पर डाउनलोड किया होगा, तो एक जीमेल आईडी अपने अपने ईमेल आईडी होती है वो यहाँ पे डालना है। कोई भी आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं, अपने ईमेल आईडी किसी और का नहीं। तो ये ईमेल आईडी आपको याद रखना है, क्या है वही आपका एप्पल आईडी होगा। एंड पासवर्ड में यहाँ पर हमें पासवर्ड में अपने हिसाब से कुछ भी पासवर्ड डाल देते हैं। ईमेल आईडी का पासवर्ड यहाँ पर नहीं डालना, ईमेल आईडी का पासवर्ड यहाँ पर नहीं फिल करना है। यहाँ पर अपने हिसाब से कोई भी पासवर्ड 8 कैरेक्टर का यहाँ पर डाल देना है। मेल आईडी के लिए वो आपका मेल आईडी वही डालेगा जो आपका जीमेल आईडी है। तो यहाँ पर मैं मेल आईडी डालूंगा इस। यहाँ पर सिंपली हमें कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे यहाँ पे सर्चिंग करेगा, सर्चिंग होने के बाद एक इस तरीके का इंटरफेयर आएगा, जो कि यहाँ पर ओटीपी मांगेगा जो आपने अपनी मेल आईडी के डाले थे। तो फिर हमें अपने मेल आईडी डाल आकर अपने मेल आईडी को खोलना है एंड वहां से ओटीपी को यहाँ पे आ जाएगा। तो हम गैस देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ओटीपी आ चुका है, तो मैं यहाँ पर सिंपली ओटीपी फिल करूंगा और वह एक्सेस कर लेगा। एंड देन यहाँ पर ओटीपी फिल करने के बाद आप यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपने एक मोबाइल नंबर का ओटीपी भी मांगेगा, जो कि वो आपका आ जाएगा यहाँ पर, अपने ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा अगर अपने एप्पल आईडी पे वो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं ओटीपी कर देता हूँ गाइस। एंड गाइस, यहाँ पर मैंने अपना नंबर का भी ओटीपी फिल कर दिया है। तो यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पे एक और इंटरफेयर आएगा, जो कि सक्सेसफुली का आएगा यहाँ पे सर्च होने के बाद। सर अभी देखिए यहाँ पे सर्चिंग हो रहा है, तो ये थोड़ी देर में एक्सेस हो जाएगा, तो आपका एप्पल आईडी क्रिएट हो जाएगा। एप्पल आईडी क्रिएट करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप करना है, जो कि मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा एप्पल आईडी क्रिएट हो चुका है फैजान अली के नाम से। यहाँ पर ये एप्पल के वेबसाइट पे, जो कि एप्पल की प्रोफेशनल वेबसाइट पे, जो कि ये क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पर सिंपली जाने के बाद हम जाएंगे ऐप स्टोर में। ऐप स्टोर करने के बाद हमें आना है सिंपली ऐप स्टोर में। ऐप स्टोर करने के बाद यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमें कोई ऐप डाउनलोड करके देखना है, तभी वो एप्पल आईडी मांगेगा। तो हम यहाँ पर नया ऐप डाउनलोड करते हैं, तो यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन आ गया है, साइन इन टू कंप्लीट परचेज।
और आपको ये लेना है तो इसमें अपनी एप्पल आईडी डाले, तो यहाँ पर जो आपने क्रिएट किया था वो एप्पल आईडी इसमें डाल देना है, जो कि आपकी जीमेल आईडी होगी। तो यहाँ पर मैं अपने मेल आईडी डाल देता हूँ, देन का उसके बाद पासवर्ड डाल दीजिएगा आप लोग। देन यहाँ पे पासवर्ड फुल कर देता हूँ, जो कि गाइस आपका ये पासवर्ड बहुत ही, मैंने पासवर्ड को कभी ना भूलिएगा गाइस। तो गाइस पासवर्ड आप ऐसा बनाइएगा जो कि आपको हमेशा के लिए याद रहे, क्योंकि अगर आप पासवर्ड भूल गए तो आपका फोन जो है वो खुलना बहुत ही मुश्किल है गाइस। तो गाइस पासवर्ड जरूर याद रखिएगा। तो गाइस यहाँ पे मैंने एप्पल आईडी और पासवर्ड फिल कर दिया है, गाइस हम पे साइन इन पे क्लिक कर देना। साइन इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बार घूमेगा, सर्चिंग पे लेगा, तो थोड़ी देर में एक नया इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ दिख जाएगा। देन गाइस यहाँ पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी सेंड होने के बाद वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। देन गाइस यहाँ पे अपने आप एक्सेस हो जाएगा, या आप खुद भी फिल कर सकते हैं अगर आपने ऑटोमेटिक पे नहीं किया होगा, तो आप सिंपल यहाँ पे ओटीपी डाल के उसे एक्सेस कर दीजिएगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरा ये हो चुका है। देन गाइस यहाँ पे ये रिव्यू दो ऑप्शन आ गया, कैंसिल और रिव्यू। तो गाइस मैं यहाँ पे रिव्यू पे क्लिक कर देना, रिव्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जो कि गाइस मैं बताऊंगा यहाँ पे कैसे आपको ये फ्री करना है। तो यही मेन स्टेप है गाइस, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको विदाउट स्किप किए, तो यही मेन इसका पार्ट है एप्पल आईडी का बनाने का। गाइस देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आया, जो कि मेरे यहाँ पे मेल आईडी लिखा हुआ है सैफू अली 786 9@gmail.com। तो गाइस यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है, एंड गाइस यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, इंडिया सिलेक्ट है मेरा कंट्री, एंड गाइस यहाँ पे एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन पे हमें यस कर देना है। तो का समय यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आपका मांगने लग जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, तो हम कैसे यहाँ पे नन पे क्लिक कर रहे हैं, आप नन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे नन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें स्ट्रीट कुछ भी भर दीजिए अपने हिसाब से, जो भी एड्रेस बनना चाहो। मैं तो यहाँ पे कुछ भी स्ट्रीट 23 भर दीजिएगा, जो भी ऑप्शन में हो। सिटी पे मैं यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। दिल्ली सेलेक्ट करने के बाद यहाँ स्टेट पे मैं फिर से दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। दिल्ली यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे अपना एरिया का पिन कोड डाल दीजिएगा, एरिया पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फिल कर दिया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो कि ये भरा हुआ था, स्टूडेंट नेम आप कुछ भी भर दीजिएगा, दिल्ली है, जो भी आपका सिटी है उस हिसाब से भर लीजिएगा। देन गाइस यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देन नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका एप्पल आईडी एक्सेस हो जाएगा। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर एप्पल आईडी कंप्लीटेड, सेफ जो कि मेरा आईडी है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। आपका इंस्टॉल होने लग जाएगा। तो मैं अभी आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ ऐप को, और आपको दिखाऊंगा कैसे डाउनलोड होना है। देन गाइस यहाँ पे मैंने गेट पे क्लिक कर दिया, ये भी एप्पल आईडी क्रिएट हो चुका है मेरा, ये डाउनलोड होने पे लगा दिया मैंने। गाइस यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया, सिंपली अभी दीजिएगा जो आपने पासवर्ड डाला था उस पासवर्ड को डाल दीजिएगा, एंड ये अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। तो गाइस अगर कोई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एंड बेल आइकन को जरूर दबाना। तब के लिए बाय एंड डब्ल्यू।